हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांडेराव गांव में श्री शांतिनाथ जी जैन मंदिर के ट्रस्ट का चुनाव संपन्न। महेंद्र भाई कैरिंग भारी मतों से विजय। सबका साथ समाज के विकास को श्री संघ ने स्वीकारा। सांडेराव स्थानीय नगर के श्री शांतिनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट के चुनाव श्री गुड़वाड़ ओसवाल भवन पांजरा पॉल में शांतिपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण चुनाव अधिकारी पारस खोका, चंदन मल धोका, नरेंद्र मोतीवाला के सानिध्य विधिवत तरीके से शांतिमय तरीके से संपन्न हुए। चुनाव प्रक्रिया में श्री संघ के जैन समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 680 समाज बंधुओं ने अपने मतदान का उपयोग किया, जिसमें मुंबई, पुणे, बार्शी, बैंगलोर, मद्रास, हुबली, सेलम, सांडेराव, भाईंदर व अन्य देश विदेश में बसने वाले सभी जैन समाज के लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग कर लगभग 70% वोट हुए, जो गांव की एकता व अखंडता की अच्छी मिसाल पेश हुई। पिछले 7 वर्षों से अध्यक्ष महोदय व कुछ ट्रस्टियों की मनमानी और फिर वापसी उम्मीदवारी के लिए खड़े होने वाले दुखी गांव के बंधुओं ने अस्वीकार करते हुए एक नई युवा टीम के युवा महेंद्र भाई कैरिंग की टीम को 480 वोट और बाबूलाल की टीम को 215 वोट मिले, जिसमें ज्यादातर वोट बाबूलाल खुद जेब से मेंबरों का पैसा भरकर वोट लिए व कुछ वोट 15 मेंबरों की टीम के परिवार के मिले। बाबूलाल सुराना ने 51,000 गौशाला में लिखा कर शिव बाकलीवास जैन संघ को खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन शिव बाकलीवास जैन संघ ने लगातार पुराने ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष व 2-4 जनों द्वारा लगातार प्रताड़ित करने पर उनका अनादर करने से नाराज ने बिकने से इनकार कर युवा नई टीम महेंद्र भाई कैरिंग की टीम को भारी मतों से विजयी बनाया। महेंद्र भाई ने सभी कार्यकर्ता भामाशाह व समाज बंधुओं का आभार प्रकट किया तथा सबका साथ समाज का विकास के नारे को बुलंदी के साथ आगे बढ़कर विकास पर ध्यान केंद्रित किया। महेंद्र भाई ने कहा कि सांडेराव गांव में आज की युवा पीढ़ी को जोड़कर श्री संघ में वापस जागृति लानी है। पिछले ट्रस्ट मंडल द्वारा की गई भयंकर गलतियों से सीख लेकर अब नई गलतियां नहीं होवे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने ट्रस्ट मंडल का विस्तार करने व पदाधिकारी नियुक्ति सप्ताह में सभी से विचार विमर्श कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर चुनाव गोड़वाड़ में एक मिसाल बनकर उभरा है। अब युवा जाग चुके हैं। अब भाई भतीजावाद, वंशवाद, चापलूसी, गुमराह हो अस्वीकार कर सिर्फ काम करने वालों को ही विजयी होगी, ऐसा संकेत आज की पीढ़ी ने सांडेराव में दिया है। जागरूक टीवी के लिए सांडेराव से खास रिपोर्ट।